हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एल डब्ल्यू डी जॉब में काफी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं सैलरी की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी सैलरी यहां पर दी जाती है पचास हजार तक जो है यहां पर सैलरी रहेगी तीन स्कूलों की एक सात वैकेंसी है ग्रुप ऑफ स्कूल है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट बी पास कैंडिडेट डी पीएड, बीपीएड और इसके साथ में जो मोन्टेसरी या एंटीटी कोर्स किए हुए हैं तो बिल्कुल यहां पर एलिजिबल है तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन तीनों ही स्कूलों का एक साथ है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्कूल है। वैकेंसी सेंट मैरी ग्रुप ऑफ स्कूल से आई है और यहां पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तीन स्कूल नरोदा स्कूल की वैकेंसी है बहुत सारे जो है पोस्ट है ओ एन जी ओ जी एन ए जी गोटा स्कूल नेक्स्ट वी ए टी वी ए वाटवा स्कूल ठीक है इस तरीके से तीन स्कूलों की वैकेंसी है क्वालिफिकेशन सभी में जो है वो समान रहेगी अब वन बाय वन जो है सारी चीजें कवर कर लेते हैं सबसे पहले जो है देख लेते हैं नरोदा स्कूल में असिस्टेंट टीचर्स हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री के साथ में बी होना चाहिए मैथ्स के लिए एमएससी के साथ में बी होना चाहिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है जिसमें एम के साथ में बी मांगा गया है और इसमें कोडिंग की जो है नॉलेज भी होनी चाहिए असिस्टेंट टीचर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन प्राइमरी सेक्शन जिसमें सब्जेक्ट हैं आप अपना सब्जेक्ट देख लें इंग्लिश एस एस साइंस मैथ्स गुजराती इसमें जो है बी एम ए बी एस सी एम एस सी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए भी जो है बी एड मांगा गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी सेक्शन के लिए बीसीए एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड ए आई प्रेफरेबल प्रेफरेबल यानी कि कोडिंग जिनको आती है तो उनको जो है यहां पर प्राथमिकता देंगे काउंसलर फॉर प्राइमरी सेक्शन केवल एमए साइकोलॉजी से मांगा गया है बी एड नहीं मांगा गया काउंसलर के लिए ठीक है प्राइमरी सेक्शन के लिए केवल मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में लाइब्रेरियन प्राइमरी सेक्शन के लिए बैचलर लाइब्रेरी साइंस या फिर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीटी इंस्ट्रक्टर के लिए प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन के लिए DP और वीपीएड वाले अप्लाई करेंगे यहां पर सी टेट या टेट किसी भी तरीके का नहीं मांगा गया है किसी भी राज्य का टेट नहीं मांगा गया है असिस्टेंट टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए ग्रेजुएशन के साथ में मोन्टेसरी आपने किया है एन कोर्स भी किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है और इसमें जो है आपकी इंग्लिश गुजराती और हिंदी ये तीन जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी जो है वो मांगी गई है कोऑर्डिनेटर के लिए दूसरा स्कूल जो है गोटा स्कूल ओ जी एन ए जे तो इसमें असिस्टेंट टीचर्स की जो वैकेंसी है हायर सेकेंडरी सेक्शन में सब्जेक्ट देखें मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स जिसमें एमएससी के साथ में बीएड होना जरूरी है तो आप ये तीनों स्कूलों को देख लें तीनों स्कूल ही जो है अहमदाबाद गुजरात में है और अलग अलग जगह पर ही है आपको जहां पर भी जो है सही लगता है आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं काफी अच्छी सैलरी जो है इस स्कूल की रहती है क्योंकि काफी सालों से जो है ये स्कूल चल रहे हैं और ये जो है वो एक पूरा ग्रुप है ठीक है सैलरी जो है वो सभी में समान रहेगी असिस्टेंट टीचर फॉर सेकेंडरी सेक्शन हिंदी और गुजराती के लिए बी एम के साथ में बी चाहिए प्राइमरी सेक्शन के लिए इंग्लिश साइंस मैथ्स हिंदी और गुजराती ये सब्जेक्ट हैं क्वालिफिकेशन वही है समान रिसेप्शनिस्ट या जूनियर क्लर्क के लिए बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर एक दो साल का जो है इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहा हो थर्ड जो स्कूल है वाटवा स्कूल तो जिसमें प्राइमरी सेक्शन में सब्जेक्ट है इंग्लिश सोशल स्टडीज मैथ्स साइंस ठीक है तो जिसमें बीए कर रखा है आपने एमए कर रखा है बीएससी एमएससी कर रखा है साथ में बीएड कंपलसरी है प्राइमरी सेक्शन में भी ये लोग बीएड ही मांग रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीसीए वाले अप्लाई करें डांस टीचर की वैकेंसी वाटवा स्कूल में है प्राइमरी सेक्शन के लिए और जिसमें विशारत इन क्लासिकल डांस ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है काफी कैंडिडेट कहते रहते हैं ड्राइंग आर्ट्स की वैकेंसी आती है तो बताएं तो यहाँ पर काफी अच्छी जो है सैलरी के साथ में वैकेंसी है ड्राइंग टीचर्स की डिप्लोमा इन फाइन आर्ट होना जरूरी है कोऑर्डिनेटर की प्राइमरी और प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी है इस स्कूल में वाटवा स्कूल में तो इसमें ग्रेजुएट वाले पोस्ट ग्रेजुएट वाले और इंग्लिश और गुजराती आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट टीचर फॉर सेकेंडरी सेक्शन के लिए इंग्लिश सोशल स्टडीज साइंस मैथ्स बी एम ए बी एस सी एम एस सी और साथ में बी एड -मे, आपका होना चाहिए और साथ में प्री प्राइमरी सेक्शन की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन के साथ में एन टी टी किया आपने मोन्टेसरी किया है ठीक है जो भी प्री प्राइमरी का जो है डिप्लोमा डिग्री किया है तो अप्लाई कर सकते हैं तो ये तीनों ही स्कूलों की मैंने बिल्कुल कवर कर दी है अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है एज जो है थंबनेल में मैंने बता ही दी थी एज लिमिट जो है यहाँ पर 45 फाइव ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अभी इसमें जो है अनुभव मांग रहे हैं कि कम से कम जो है दो साल का अनुभव आपका जितनी भी पोस्ट निकाली गई है इसमें होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट जिनको दो सालों का अनुभव है उससे ज्यादा का अनुभव है तो उनको ये सबसे आगे रखेंगे ठीक है और फ्रेशर भी हालांकि अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इनको प्राथमिकता जो है सबसे ज्यादा जो अनुभवी कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मिलेगी अप्लाई जो है वो बिल्कुल फ्रेश है और आज की ही डेट का है तो सात दिन के अंदर आप अप्लाई कर देंगे जैसे आज अप्रैल है तो आपको जो है, 20 तक जो है 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 अप्रैल तक भेज देना है अपना बायोडेटा या रिज्यूम आपको भेजना है आप पोस्ट भी कर सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप पोस्ट करेंगे तो सही से जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर सही से लिखना है आपको दी सेक्रेटरी सेंट मैरी स्कूल निकोल रोड एनआर आदिश्वर नगर नरोदा अहमदाबाद गुजरात की वैकेंसी है थ्री एट टू थ्री थ्री जीरो ई मेल करना चाहते हैं तो ई मेल कर सकते हैं सेंट मैरी स्कूल डॉट कॉम ठीक है तो वीडियो में ही जो है आपको स्क्रीन शॉट लेना होगा क्योंकि न्यूज पेपर में ये वैकेंसी आई है और काफी अच्छी वैकेंसी है तीन स्कूलों की यहाँ पर सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज भी जो है काफी सही रखी गई है तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से वीडियो देखिएगा सही तरीके से और कुछ भी जो है आप लोग गलत ना भेजा करें अगर आप एप्लीकेशन कुछ भी रिज्यूम बायोडाटा जो भी भेजते हैं उसमें इतना बहुत था तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू